वेलकम बैक टू माई चैनल। फिर आज के स्टूडियो में हम लोग एक पेन होल्डर बनाने वाले हैं, तो उसके लिए मैंने एक बोतल ली है। तो इसको सबसे पहले तो हम लोग कट करेंगे कटर की हेल्प से। आप लोग किसी भी नाइफ वगैरह को मतलब गर्म करके भी उससे कर सकते हैं, अगर वो मतलब ज़्यादा शार्प ना हो, तेज़ ना हो, तो फिर आप लोग उसको गर्म करके उससे भी काट सकते हैं। तो मेरा कटर काफ़ी शार्प था, तो फिर मैंने इसी वजह से इसी से ही काट लिया। तो अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। ये इवन कट नहीं हो रहा था, और दो मैंने इसको ना फिर बाद में मतलब ऊपर क्ले लगाकर सही से बैलेंस कर लिया था। तो अब मैंने इसके ऊपर येलो कलर का पहले पेंट कर लिया है। तो पेंट करने के बाद देन मैं इसके ऊपर क्ले से आर्ट करना स्टार्ट करूँगी। तो ये सारी पेंट हो चुकी है। अब इसके ऊपर सेकंड कोट भी मैंने अप्लाई किया है, और अब मैंने ये येलो क्ले लिए, मैं सारी इसके अंदर से निकाल लूँगी। एंड देन इसके हम लोग छोटे छोटे से सर्कल्स बनाकर एक गोले टाइप बना लेंगे, उनको फ्लैट कर लेंगे। तो पहले इसके अंदर वाइट क्ले भी मिलाऊंगी, क्योंकि मेरे पास येलो क्ले कम थी, तो ताकि ये हमारे पास ज़्यादा हो जाए, इसलिए मैंने थोड़ी मिलाई है इसके अंदर। और ये मैंने कर लिया। अब इसको हम लोग फटाफट से इसके छोटे छोटे गोले बनाते हैं, एंड देन इनको फ्लैट करके इसकी इमोजीज बनाकर इसके ऊपर लगाएंगे। जी हाँ, हम लोग इमोजी वाला पेन होल्डर बनाने लगे हैं। तो ये मैंने सारे बना लिए। अब इसको हम लोग एक एक करके रोल करेंगे, एंड देन इस तरीके से देखें मैं इसको कर लूँगी। और ये तो उठाया ही नहीं था जा रहा, तो खैर मैंने इस तरह करके सारे ये बना लिए। तो अब इस तरीके से इसको पहले सबको बना लेंगे, एंड देन इसके ऊपर चिपकाएंगे बोतल के ऊपर हम लोग ग्लू की हेल्प से। तो जल्दी से मैं पहले ये सारे बना ले थी, एंड देन हम लोग इसको चिपकाते हैं। तो ये बन चुके हैं। अब ये देखें जी, इस तरीके से मैंने ग्लू लगाई है और मैं सबको चिपका रही हूँ उसके ऊपर ग्लू की हेल्प से। तो ये देखें, और इसके बाद हम लोग लास्ट पे इसके ऊपर डिज़ाइनिंग टाइप करेंगे जो हम लोगों ने करनी होगी। तो ये हम लोगों ने सारे अपने लगा लिए येलो वाले सर्कल्स। अब मैंने रेड क्ले लिया है, इसका हम लोग फ्री बनाकर आगे लगा इसके ऊपर वाली साइड पे लगाएंगे, ताकि जो इसके एजेस हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प हैं, तो हमें चुभे ना। ये देखें जी, मैंने बना लिया। इसके ऊपर देखें इस तरीके से रख कर लगाएंगे, एक तो ये थोड़ा बहुत डिज़ाइन वाला भी हो जाएगा, और साथ ही साथ ये जो इसके एजेस शार्प हैं वो हमें चुभेंगे नहीं जब हम लोग इसके नीचे कुछ चीज़ निकालेंगे या रखेंगे। तो ये हो गया है। तो अब हम लोग इसको जल्दी से इक्वल कर लेते हैं। तो अब देन इसके ऊपर मैं हार्ट बना कर लगाऊँगी। तो मैंने हार्ट भी बनाए हैं, और अब मैं इसके ऊपर लगाने लगी। तो इस आप लोग जब तक मैं ये कर रही हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। और मुझे बताइएगा कि आपकी मतलब कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएगा कि इन सारी इमोजीज में से जो जो मैं इसके बाद बना रही हूँ, आपकी फेवरेट कौन सी है, या आप सबसे ज़्यादा कौन सी यूज़ करते हैं। तो अब ये मैंने इमोजीज बनाना भी इसके ऊपर स्टार्ट कर दी है। तो ये बनाकर तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा होल्डर, एंड देन इसके ऊपर हम लोग फिर बाद में चीज़ें वगैरह डालेंगे। मैंने इसके अंदर वैसे क्ले के कटर्स वगैरह रखे थे, मतलब क्ले के जो टूल्स वगैरह होते हैं टोटली, वो रखे थे मैंने। तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि मुझे अगर एक ही बार में चाहिए होंगे तो मैं इजीली ले सकती हूँ, कि मैं इधर उधर से चीज़ें लूँ, तो इससे बेहतर ये है कि इसी से मैं ले सकती हूँ, इसी के अंदर से जिसके टूल्स वगैरह होंगे। तो अब ये देखें जी, इमोजीज बनाती जा रही हूँ मैं, जो जो मुझे मिल रही है। पास मैंने टाइपिंग वाला टाइपिंग पैड खोल कर रखा हुआ था, तो जिससे मुझे मतलब इजीली पता रहे कि मैंने मतलब इस तरह की इमोजीज बनानी है। तो मेरी इसमें से मतलब जो मुझे इसमें से प्यारी लगी जो मैंने बनाई है, वो एक ग्लासेस वाली थी, और एक जो क्राई इमोजी थी, वो दो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनी थी। लेकिन जो मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ वो स्माइलिंग इमोजी है, सिंपल वाली। और आप लोग मुझे लाजमी बताएगा कि आपको कौन सी इमोजी ज़्यादा पसंद आई। तो ये हमारा तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। तो आप लोग मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में शामिल रखिएगा।